एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और आरडीओ अनीता सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस और आरडीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि टू व्हीलर बाइक स्कूटी से बिना हेलमेट स्कूल जाने वाले बच्चे और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का चालान किया गया। वहीं बिना जीएल बिना आरसी वाले ऑटो और नंबर प्लेट ढके हुए ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई और बच्चों के ओवरलोडेड ऑटो का भी चालान किया गया। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए हेलमेट अवश्य लगाएं तथा ओवरलोड ऑटो में बच्चों को स्कूल ना भेजें तथा चालक का आधार लाइसेंस ऑटो की वैधता जांच परख लें, तभी बच्चों को ऑटो से स्कूल भेजें। चेकिंग के दौरान एआरटीओ संजय नाथ झा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रवि कुमार, यातायात निरीक्षक मनोज राय, PSI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अक्सर अभिभावक लोग अपने बच्चों को सस्ता ट्रांसपोर्ट देने के चक्कर में अनवेरीफाइड ऑटो का सहारा लेते हैं, जिनके पास ना स्वयं का उनसे आधार मांगिए तो ना वो आधार दिखा पाते हैं, ना डीएल दिखा पाते हैं, उनके कंडम वाहन होते हैं। ऐसे वाहनों को सस्ते परिवहन के चक्कर में अभिभावक लोग ले लेते हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है कि बच्चों के लिए वाहन हायर करते समय कम से कम वाहन की फिटनेस देख लें और उसमें ये भी सुनिश्चित कर लें, फिटनेस के अलावा ड्राइवर की आइडेंटिटी क्या है, ड्राइवर का लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, इस बारे में पूरी छानबीन करने के बाद ही अपने बच्चे को उस वाहन में भेजें। और जब वाहन फिक्स कर लें उसके बाद ये भी देखें कि निर्धारित क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बैठा के तो नहीं ले जा रहा है, क्योंकि बच्चे हम सभी का भविष्य हैं, बच्चों की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, इसमें हम सभी की सहभागिता जरूरी है और इसमें गार्जियंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनज़र हमने सभी स्कूल पर अभिभावक जो अपने बच्चों को बिना हेलमेट के स्वयं छोड़ने आ रहे थे या ऐसे ऑटो जिनका मानक पूर्ण नहीं था उनको छोड़ने आ रहे थे, एआरटीओ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुबह चेकिंग की कार्रवाई की गई। ये चेकिंग बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम लगातार बीच बीच में करते रहेंगे।